नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए 100 शब्दों में होली पर बहुत ही सुंदर निबंध लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। होली एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे प्रतिवर्ष वसंत के मौसम में मनाया जाता है। होली एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में मनाया जाता है। यह रंगों का त्योहार है जिसके दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और घरों और सड़कों को सजाते हैं। यह रंगों का त्योहार है जिसके दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और घरों और सड़कों को सजाते हैं। होली को प्यार का त्योहार भी कहते हैं क्योंकि इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली को प्यार का त्योहार भी कहते हैं क्योंकि इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली 2 दिवसीय त्योहार है पहले दिन को छोटी होली कहते हैं जिस दिन लोग होलिका दहन करते हैं। होली 2 दिवसीय त्योहार है पहले दिन को छोटी होली कहते हैं जिस दिन लोग होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अगले दिन लोग रंगों से खेलते हैं और शाम को एक दूसरे के घर जाकर बधाई और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों के
घर आने का रिवाज एक हफ्ते से अधिक समय तक जारी रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।